नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आज के समय में बॉलीवुड में नंबर वन सुपरस्टार है अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, जहां बड़े बड़े सुपरस्टार 2 साल में 3 साल में एक फिल्म बनाते हैं, फिर भी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं होती, लेकिन अक्षय कुमार साल में 3 से 4 फिल्में बनाने के बाद भी अपनी सभी फिल्मों को सुपर डुपर हिट करवा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्षय कुमार से इंडिया की पब्लिक काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, जिसके चलते ही अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर जाती है। लेकिन दोस्तों, जहां पब्लिक अक्षय कुमार से इतना प्यार करती है, वही अक्षय कुमार भी भारत की जनता से उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास दोस्तों ये है कि देश में जब जब कोई बड़ी परेशानी आती है तो बॉलीवुड की तरफ से अक्षय कुमार इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जो आगे आकर गरीब लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद हो तो जब चेन्नई में बाढ़ आई थी, जब भी अक्षय कुमार ने करोड़ों रुपये का दान दिया था। इसके अलावा दोस्तों, जब आसाम में तूफान आए थे, जब भी अक्षय कुमार ने करोड़ों रुपए का दान दिया। इसके अलावा दोस्तों, अक्षय कुमार शहीदों के परिवार की मदद भी करते रहते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जितने भी गरीब किसान थे, उनको भी अक्षय कुमार ने करोड़ों रुपए का दान दिया था। यानी कि अक्षय कुमार ने अपने करियर में इतना दान दिया है जितना शायद ही किसी और बॉलीवुड सुपरस्टार ने दिया होगा। लेकिन दोस्तों, जहां इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस नाम की महामारी फैल चुकी और यह महामारी हमारे देश इंडिया में भी आ चुकी है, जिसके चलते दोस्तों हमारे इंडिया में लगभग 6000 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने गरीब लोगों की मदद के लिए 25 करोड़ रुपए का दान पीएम केयर फंड में पहले ही कर दिया था, जो कि बॉलीवुड की तरफ से किसी भी सुपरस्टार द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने जहाँ 25 करोड़ रुपए का दान पहले ही कर दिया था, उसके बाद भी ये नहीं रुके और दूसरी बार इन्होंने फिर से गरीब लोगों की मदद के लिए बड़ा दान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने हाल ही में एक गाना बनाया था जिसका नाम था मुस्कुराएगा इंडिया, जिस गाने में उनके साथ में टाइगर श्रॉफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा और भी बॉलीवुड के कई सुपरस्टार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय कुमार के इस गाने मुस्कुराएगा इंडिया से जितनी भी कमाई आ रही है, अक्षय कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि इस गाने की पूरी कमाई वो पीएम केयर फंड में फिर से दान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले ही 25 करोड़ का दान, उसके बाद गाने की भी पूरी कमाई अक्षय कुमार दान कर रहे हैं। तो दोस्तों, यकीनन अक्षय कुमार से बड़ा दानवीर आज के समय में बॉलीवुड में कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों, दो दो बार इतनी बड़ी अमाउंट में दान देना बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी के समय बॉलीवुड के सबसे बड़े सच्चे देशभक्त है अक्षय कुमार, जो कि हमेशा ही लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। तो दोस्तों, अक्षय कुमार के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं भी अक्षय कुमार को दिल से सल्यूट करता हूँ और उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो हमेशा ही हमारे देश की मदद के लिए करोड़ों का दान करते हैं। तो दोस्तों, अक्षय कुमार एक ऐसे सुपरस्टार है जिनकी फिल्में आज के समय में सभी को देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म देखने का मतलब कि आप उस टिकट के पैसे से गरीब लोगों की मदद कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्में जो भी पैसा कमाती है, उस पैसे से अक्षय कुमार फिर से गरीबों की मदद कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अक्षय कुमार की तरह ही पूरा बॉलीवुड भी आगे आए और हमेशा ही गरीब लोगों की मदद करे। वैसे दोस्तों, आपका बॉलीवुड में सबसे फेवरेट हीरो कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।